हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं बहुत सारे चैलेंजेस, वो भी एक ही वीडियो में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ऐसी टू मेनी चैलेंजेस वाली, तो आप यहां पे देख सकते हैं आई बटन पे। और ये वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी। और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल पर, और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छे चैलेंज हो। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला चैलेंज है ओनली डाइव चैलेंज। तो हमें इसमें वही करना है कि हमें ना चलना है ना जंप करना है, सिर्फ डाइव मारना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी तरह सबने डाइव मारा है, लेकिन मैं सिर्फ डाइव ही डाइव मार सकता हूँ, ऐसा चैलेंज है। तो मैं चलूँगा नहीं, सिर्फ डाइव ही मारते जाऊँगा, देखिए ऐसे। और मैं किसी के ऊपर चढ़ रहा हूँ, कभी कभी नीचे से जा रहा हूँ किसी के। और अभी तक तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम, बिना किसी रुकावट के जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे हल्का सा धक्का पड़ा है, और जो कि मुझे हर बार बहुत इरिटेट करता है, भाई ये धक्का क्यों पड़ता है भाई। और फाइनली हमने ख़राब कर दिया गेम, और अब मुझे लग रहा है कोई चांस नहीं है हमारे क्वालिफाई होने के। और यहाँ पे फिर से ख़राब किया गेम, और अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है क्वालिफाई होने का। तो जो कर सकते हैं हम यही कर सकते हैं कि बस कूद रहे हैं हम, क्योंकि यार रुक नहीं सकते ना। तो मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड्ढा होने वाला है। तो इसी के साथ हम आ गए हमारे दूसरे चैलेंज पर, जो कि ये है कि हमें किसी एक बंदे को क्वालिफाई करने नहीं देना है, ठीक है। तो मैंने पकड़ा है ये जो लाल स्केलेटन है ना, इसको पकड़ा है मैंने, तो इसको हम क्वालिफाई नहीं करने देंगे। ट्राई तो पूरी करेंगे हम, लेकिन ये है काम भी तो वैसे ही पीछे है ये। तो जब ऑलरेडी बंदा पीछे हो तो उसको और पीछे करो तो यार खेलना ही छोड़ देगा, इसलिए अभी कुछ नहीं करेंगे हम। और ये बगल में आया था यार अभी, मेरे मुक्का मिस हो गया मेरा। अरे किसी और ने पेल दिया भाई, चलो अपना काम किसी और ने कर दिया, लेकिन ये तो मेरे से आगे चला गया भाई। अरे अरे ये क्वालिफाई हो जाएगा लग रहा है, मैं क्वालिफाई नहीं पाऊँगा, जल्दी कुछ करना पड़ेगा भाई, क्या करें। और यहाँ पे ये कोने में आया है, और अब क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या था, देखा आपने, मतलब मुक्का मेरा नहीं पड़ा है, लेकिन मैं उसके सर के ऊपर चढ़ गया ना, तो उससे वो नीचे गिर गया। तो कैसे भी भाई, लक से या कुछ भी बोलो आप, देखो कि वो नीचे गिर गया है, पता नहीं कैसे मेरे नीचे आया ये, और हो गया चैलेंज कम्प्लीट। तो आ गए हम हमारे नए चैलेंज पे। तो इसमें हमें स्पिन गो राउंड में जितने भी ऑब्स्टिकल्स रहते हैं ना, इससे मार खाते खाते आगे जाना है। तो ये मैं करता हूँ, सबसे पहले हमें आना पड़ेगा कि इस वाले से खाऊं यार, इस वाले से खाते हैं। अरे यार थोड़ा गलत हो गया, रुको फिर से खाता हूँ, आगे जाना चिपट के। हाँ ऐसे देखो, ऐसा है ना, ये बिल्कुल, और यहाँ नीचे गिरने वाला था, बच गया भाई। अब हमें यहाँ से खाना पड़ेगा इसको, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है नीचे से, तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, थोड़ा सा ही गया। अब ये वाले से खाते हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि हम क्वालिफाई करेंगे ये, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं हम। अगला हमें आगे वाले से खाना पड़ेगा, इस वाले से, और ये सीधा गड्ढे में गिराएगा मुझे लग रहा है। और ये भाई बहुत ही गंदा हुआ, एलिमिनेट। तो हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमें एक बॉट को क्वालिफाई करवाना है। तो भाई बॉट पहले मुझे देखना पड़ेगा मैच में आया है कि नहीं आया है। एक बॉट दिखा है मुझे ब्राउन कलर का, तो उसको हम क्वालिफाई करवाते हैं अभी। अभी तो उसको आगे जान दो, यहाँ पे टाइम पास करते हैं थोड़ा जब तक। और यहाँ पे वो बॉट थोड़ा आगे निकल गया क्या, ये जा रहा है भाई, ये इतना स्लो मोशन में क्यों चल रहा है भाई, लेकिन आपको नहीं लग रहा है ऐसा, देखो बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है। अरे अरे भाई ये तो टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा है भाई ये बॉट, अरे अरे उड़ा उड़ा, ये रहा भाई, ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कर रहा था भाई। अरे छोड़ो यार उनको, वो कहाँ गया बॉट, ये रहा आगे, ये जा रहा है भाई, बहुत स्लो मोशन में जा रहा है भाई, धीरे धीरे पिट पुट आके जा रहा है। इसको मुझे ही धक्का मारना पड़ेगा आगे लग रहा है, और ये जा नहीं रहा है भाई, पता नहीं इतना स्लो मोशन में जाएगा तो भाई कैसे क्वालिफाई करेगा, एलिमिनेट ही हो गया ये। तो हमारा अगला चैलेंज भी ऐसा ही है कि हमें बॉट की जगह किसी रियल बंदे को क्वालिफाई करवाना है। तो मैंने चुना है एक पेंगुइन को, जिसका नाम कुछ अलग सा है भाई, पगलोट करके है। तो इसको हमें क्वालिफाई करवाना है, ये जो मेरे सामने पेंगुइन जा रहा है ना इसको, हाँ तो भाई इसको हम क्वालिफाई करवाते हैं, अमन पगलोट को। तो भाई चलो इसके पीछे पीछे जाते हैं, जा तो बढ़िया रहा है ये, कोई दिक्कत आ नहीं रही है अभी वैसे। हाँ ये अभी तो क्वालिफाई हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। भाई यहाँ पर ऐसे मत करना यार, हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चलो भाई ये तो हो गया क्वालिफाई, हम भी जाते हैं अब इसके पीछे पीछे, ये छोड़े मुझे तो। और आ गए हम लोग, तो हमने पहला राउंड तो इसका क्वालिफाई करवाया नहीं है कुछ खास, खुद ही कर लिया था उसने। तो पहले मैंने थोड़ा मेहनत किया था, बस दूसरे राउंड में अब हमें कुछ करना पड़ेगा, बाकी लोगों को रोकना पड़ेगा मुक्के उक्के मार के। और यहाँ पर मैंने पहला मुक्का चलाया भाई गेम का, और
थोड़ा फ़ायदा हुआ तो है, लग रहा है काफ़ी आगे निकल गया ये इससे, और इसको रोकना पड़ेगा भाई, इसको भी रोकते हैं। अब ये मैं नहीं पहुँच पाऊँगा लग रहा है, अब क्योंकि मैं तो हो गया हूँ लेट, और ये हो जाएगा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत आगे, बहुत बहुत ज़्यादा आगे है ये, और मैं भी आ ही रहा हूँ, बस क्लोज़ आ ही रहा हूँ उन लोगों के। यहाँ पे कोई गलती करेगा तो मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पे भाई नीचे गिर गए लोग, और अपना तो हो गया है क्वालीफाई दोस्त, और हम भी जा रहे हैं क्वालीफाई होने। बस तो फिर फाइनल राउंड में अब बस इसे जिताने की देरी है, बस ये थोड़ा सही खेलेगा तो जीत जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार एक जगह भी खड़ा यार, ये क्या हुआ, इसको क्या हो गया भाई, रुको पीछे जाके देखना पड़ेगा, रुको यार उल्टा जाता हूँ मैं, आगे क्यों जा रहा हूँ भाई, ये तो यार गलत हो गया, ये तो ऑफलाइन ही हो गया भाई। देखो जीतना था यार ये वाला मैच, तो यार खड़ा है यार, अब क्या करें भाई, चैलेंज हमारा हो गया है फेल। तो चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। नेक्स्ट चैलेंज हमारा ये है कि हमें येलो कलर को टच नहीं करना है स्टंबल गाइस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज लग रहा है भाई मेरे को तो, मतलब येलो कलर टच नहीं करना है। तो भाई ट्रैम्पोलिन येलो कलर की है, बीच में ब्लू है, तो कर जाएंगे हम अब इजीली। अबे यार जंप भाई क्या था ये, अरे यार ये दवाई नहीं, मैंने दबाया था भाई, ये दबाई नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये गेम पता नहीं क्या हो रहा है इसको आजकल। चलिए आगे जाते हैं, अब ब्लू वाले से जाते हैं हम, और भाई यार उसके कारण बहुत लेट हो गया यार, लेकिन मैं पता नहीं क्या हुआ, दबा क्यों नहीं। इसके बाद यहाँ से जाते हैं, इसमें तो पूरा ब्लू कलर का ही है तो हो जाएगा इजीली। और ये क्या है भाई, ये तो पूरा येलो कलर का है, रुको यार पीछे से क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि येलो कलर का है तो पूरा भाई पीछे से क्वालिफाई होता है क्या इसमें, ये तो हो ही नहीं रहा। अरे हो जाए यार भाई, ये क्या था यार। तो भाई मुझे ये चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो हम यही करते हैं थोड़ी देर, और टाइल फॉल में करते, तो टाइल फॉल तो पूरा येलो कलर का ही है भाई, तो हमने क्या करना है, सिर्फ ग्रीन टाइल्स पे चढ़ना है, बाकी मेहनत ये लोग करेंगे, हम सिर्फ खड़ों के इनका मुँह देखेंगे ताकि ये लोग करें टाइल्स, लेकिन इससे हम लेट भी हो सकते हैं भाई। और यहाँ पे ग्रीन टाइल बनते जा रही, अरे बन गई भाई, लेट हो गए, किसने पकड़ा था भाई मेरे को भाई। यार एक तो यार आप लोग पकड़ लेते हो यार, फिर उसके कारण लेट हो जाता हूँ भाई, अगली बार से मैं मुक्के मार दूंगा भाई जिसने पकड़ा, क्योंकि यार मेरा गेम ख़राब हो जाता है बहुत, ठीक है बुरा मत मानना। तो अगला चैलेंज भी हम यही करेंगे येलो वाला, और स्पिंगो राउंडर पूरा येलो कलर का है भाई, यहाँ कोने से जाना पड़ेगा इसके, और ये एज पड़ गया भाई, बच गए, और ऊपर आता हूँ इसके, अब कोने जाते हैं भाई, धक्के तो मत मारो भाई, थोड़ा दूर रहो भाई, अब यहाँ से जाते हैं कोने से बिल्कुल, हम ये वाला तो कर लूँगा मैं लग रहा है, एक सेकंड, ये तो येलो कलर का है भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा बीच में से, टाइमिंग चाहिए हमें भाई, अरे हो गया भाई क्लोज था। अब तो बस एक तगड़े लॉन्ग जंप की ज़रूरत है भाई हमें, यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक लॉन्ग जंप चाहिए भाई, हो जा, अरे यार ये कहाँ से आ गया भाई, क्वालिफाई हो जाऊँ बस, हो जा कूद, और हो गया भाई। चलो भाई अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे से हो ही नहीं रहा क्वालिफाई, यहीं से कर लेते हैं, इतना तो लिबर्टी दो है यार। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज ये है कि हमें किसी की शैडो टच नहीं करनी है, तो भाई ये तो ऑलमोस्ट वही सेम हो गया सोशल डिस्टेंसिंग वाला, तो भाई शैडो तो वैसे, अरे छोटी है, अच्छा मेरी बड़ी है सिर्फ इसमें, बाकी सबकी छोटी है, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक्स्ट्रा हम करते हैं कि ऑब्स्टिकल की भी शैडो से दूर रहेंगे, जैसे ये है ना, इससे भी दूर जाएंगे हम, ठीक है, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब बस हमें इजीली जाना है भाई, और ये कहाँ से आया भाई, ये तक खतरनाक बॉल, मतलब कैसे मारा भाई, ये मेरे पे अटैक था क्या पूरा। अब यहाँ से जाते हैं भाई कोने से, शैडो से दूर रहना है बस मुझे, अरे अरे इतनी भीड़, अचानक से इतनी भीड़, अरे 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 भाई निकल गए भाई। अब यहाँ से इसके, अरे यार थोड़ा सा टच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से गया मैं इसके, और ये हो गया भाई क्वालिफाई। तो हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमें स्पिन गो राउंड में फ्लोर को टच नहीं करना है, तो इसका ये मतलब है कि हमें जो येलो वाली बाउंड्री दिख रही ना, इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और बहुत ही अच्छी जंप लग गई भाई, मुझे लग रहा था नीचे गिर जाएगा, और अब यहाँ से बच गए भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा, और हमारा दोस्त भी एक साथ में आ रहा है, तो भाई ये हम दोनों साथ में करने वाले हैं, तो देखते जाओ आप बस लोग। और यहाँ से यार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रहा हूँ भाई मैं, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था मैं इतना अच्छा करूँगा ये वाला, और अब ख़त्म हो गया भाई, अब यहीं से जाना पड़ेगा, और अब इसके ऊपर से जाते हैं। चलो इसके ऊपर से गए, और हो गया भाई, इतना ही था ये, इसके आगे कुछ नहीं है बाउंड्री। तो हमारा ये वाला चैलेंज हमने बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर लिया है भाई। तो हमारा फाइनल चैलेंज ये है कि हमें हमारे कंट्रोल्स बहुत बड़े रखने हैं, तो ये मैंने कर दिया भाई फुल साइज़, अब देख लो आप, है ना, कोई शक तो नहीं ना आपको साइज़ में। तो भाई अब आप देखते जाओ अब मैं क्या करने वाला हूँ,
भाई ये तो इजी लग रहा है वैसे, बहुत कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो ये तो हम इजीली कर जाएंगे मेरे हिसाब से। पूरी ट्रिक्स तो नहीं हुई भाई, कर रहा था नहीं हुई, और गिरा गया, बच गया, बच गया भाई। और यहाँ से हम जा रहे हैं, बिल्कुल ईजीली कर लिया भाई ये वाला चैलेंज तो हमने, कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अपने चैलेंजेस कमेंट कर दो अच्छे अच्छे बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे पुराने चैलेंजेस देखने हैं इस सीरीज़ के, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर।